दोस्तों स्वागत है आपका द फैक्ट नॉलेज में। मैं आपको आज दुनिया के पांच सबसे बेहद ही ताकतवर देशों के बारे में बताऊंगा जिनसे जीत पाना मुश्किल है। नंबर पांच, दोस्तों नंबर पांच पर जगह बनाया है एक ऐसा देश जो आकार में बेहद ही सूक्ष्म है और चारों तरफ से दर्जनों दुश्मनों देश से घिरा हुआ है, नाम इजराइल। दोस्तों इसका मुख्य वजह है इस देश की एडवांस टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के द्वारा छोड़े गए किसी भी मिसाइल को आसमान में ख़त्म कर सकता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास आर्मी की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। नंबर चार, रूस। दोस्तों नंबर चार पर हम जिस देश का बात करने वाले हैं उस देश को दुनिया के हिटलर और नेपोलियन जैसे योद्धा भी कुछ नहीं कर पाए थे। इस देश की जियोग्राफी बेहद ही दिलचस्प है। यह देश चारों तरफ जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और जंगलों पहाड़ों में कहां पर रशिया का सेना है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लग सकता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार या फिर किसी भी हथियार का बात करें वो सब रशिया में मौजूद है। नंबर तीन, चाइना। दोस्तों चाइना की बात करें तो इस देश के पास 31 लाख एक्टिव आर्मी और दुनिया की नंबर वन महिला आर्मी भी मौजूद है और इस देश के पास तकरीबन 3000 लड़ाकू विमान और बहुत सारा फाइटर विमान भी हैं। इन्हीं सभी वजहों से चाइना को दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। नंबर दो, हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है नंबर दो पर कौन देश आता है? जी हाँ दोस्तों, अपना देश भारत आता है। इसका सबसे बड़ा वजह है यहाँ की जियोग्राफी। यह देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र में भारत देश का सेना कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता है और उत्तर तरफ हिमालय पर्वत से ढका हुआ है और हिमालय पर्वत में भी भारत के कहाँ सैनिक हैं ये भी किसी को नहीं पता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और उनका कॉन्फिडेंस। और भारत देश के रिश्ते दुनिया के 90% देशों से बिल्कुल ठीक हैं, तो भला इस देश पर कौन आक्रमण करेगा? इस देश पर अमेरिका और रूस जैसे देशों का सदैव साथ रहता है। नंबर वन, अमेरिका। इस देश को लोग दुनिया के सुपर पावर के नाम से भी जानते हैं। यह देश हर एक तरह से सक्षम है, चाहे हथियार की बात की जाए चाहे इस देश की इकोनॉमी की। यह देश दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने जीडीपी का पैसा सेना पर खर्च करता है। इस देश की ताकत का बात करें तो इस देश के पास 14,000 फाइटर प्लेन, 22 लाख सेना, 6,000 परमाणु बम और टैंक है। और इस देश के ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं।